बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक ले रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहली चीज ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण क्यों रखा गया है। तो याद रखिएगा कि जो हमारी प्राचीन सभ्यताएं होती थी, वो प्राचीन सभ्यताएं किसी नदी की गोद में बसती थी, इसलिए उनका नाम नदियों के नाम पर रखा जाता था। अब देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके बारे में इसका जो नामकरण है, उसमें आप ये सोचिएगा कि जब इसका पहले उत्खनन किया गया, मतलब प्रारंभिक उत्खनन किया गया, तो इसके समस्त स्थल जो उस समय पाए जा रहे थे खुदाई के समय, तो वो या तो सिंधु नदी के तट पर बसे थे या उनकी जो सहायक नदियां हैं उन्हीं नदियों की घाटी में बसे हुए थे। तो इसलिए ये कह दिया गया कि यह सिंधु घाटी सभ्यता नाम इसका उपयुक्त माना गया। लेकिन समय बीतता गया, और जब समय बीतता गया तो इस सभ्यता के अवशेष गंगा की घाटी में पहुंच गए। तो जब ये गंगा की घाटी में पहुंच गया, तो आप बताइए फिर क्या इस सभ्यता का नामकरण सिंधु रखा जाए। तो अगर हम सिंधु नाम ही रखे रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि गंगा की घाटी में बसे हुए जो स्थल थे, पूरा स्थल थे, उनके साथ न्याय नहीं होगा। तो इसलिए अब इस नाम को नहीं लिया जाता, ठीक है, निशान लगाने के लिए नहीं लिया जाता, मतलब जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तब के लिए नहीं लिया जाता, वैसे तो लिया ही जाता है। तो इसका जो रियल नाम निकल कर आया वो क्या आया, तो आप कहोगे कि सर इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता क्यों हड़प्पा सभ्यता कहा गया? क्योंकि यह जो हड़प्पा स्थल है, यह पहला, इस सभ्यता का पहला उत्खनित स्थल है, इसलिए इसे हड़प्पा नाम दिया गया है। क्लियर? अब हम आपको हड़प्पा के बारे में बता दें तो थोड़ा ठीक रहेगा आपके लिए। देखिए, जो हड़प्पा शब्द है, इसका रचनाकार कौन है? मार्शल, जॉन मार्शल। और ये जो जॉन मार्शल सर ने हड़प्पा नाम रखा है, तो उसमें आप याद रखिएगा इसका कुछ मतलब है हड़प्पा। तो इसमें यच का मतलब होता है हरी यूपिया, हरी यूपिया। ए का मतलब है राबी, और पी का मतलब है पाकिस्तान, पाकिस्तान, और पी का मतलब है पंजाब, पंजाब। तो इसका मतलब हड़प्पा जो नाम है, इसमें देखिए क्या क्या विशेषता दी जा रही है। हड़प्पा को हरियूपिया कहाँ कहा गया है? आप कहोगे सर ये ऋग्वेद में कहा गया है। किसमें कहा गया? ऋग्वेद में हड़प्पा को हरियूपिया कहा गया है। ये कहाँ है? तो आप कहोगे सर पाकिस्तानी पंजाब में है, और रावी नदी के बाएं तट पर है। क्लियर हो गया? आप ये बातें जान गए, तो अब हम एक बात करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि जब चैप्टर इम्पोर्टेंट होता है तो वहाँ हमें विशेषज्ञता हासिल करनी होती है। तो विशेषज्ञता हम कैसे हासिल करते हैं? तो जाहिर सी बात है कि हम हर बात की बात को बात में बदल दें, मतलब हर छोटी छोटी बातों को अब इसे हटा देते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, छोटी छोटी बातें लेते हैं, छोटा छोटा उठाते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, ये जो सभ्यता का विस्तार है, ये विस्तार हम लिखते हैं एक्सटेंशन। विस्तार का मतलब है एक्सटेंशन। तो जो इसका विस्तार है, पहली चीज तो आप ये बता दो कि वह किन देश में है, कितने देश में है। तो
एक तो हो गया इंडिया भारत, दूसरा किस में हो गया पाकिस्तान, ठीक, और तीसरा हो गया उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान, उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान हो गया, क्लियर। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में कहाँ है, पाकिस्तान में कहाँ है, तो ये भी आपको जानना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं कि भारत में ये जो सभ्यता है ये कहाँ फैली हुई है। तो आप कहोगे कि सर भारत में तो ये 7 राज्यों में फैली है, राज्यों का मतलब प्रांत, 7 राज्यों में फैली हुई है। कौन कौन से राज्य हैं ये भी आप याद रखिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आप नहीं याद कर पाएंगे। आप ऊपर से चलिए, कश्मीर देखिए, कश्मीर आ गया, जैसे ही ऊपर से आप नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ, मतलब नॉर्थ से आपको साउथ की तरफ बढ़ना है, और जैसे ही वो 7 स्थान आ जाएं आप साइलेंट हो जाइए। कश्मीर के बाद पंजाब आ जाइए, पंजाब के बाद हरियाणा आ जाइए, हरियाणा के पास में ही आपको राजस्थान देख लेना है, क्लियर हो गया। राजस्थान के बाद आपको क्या देख लेना है, तो वहीं आप थोड़ा सा वेस्ट में चले जाइए, गुजरात देख लीजिए, गुजरात के बाद आपको क्या देखना है, महाराष्ट्र देख लीजिए, ठीक है, और थोड़ा सा ईस्ट में आ जाइए तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आपको समझ में आ गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत में कितने स्थानों पर है, 7 राज्यों में है, क्लियर है। और अब आगे जाएं हम, इसके पहले यहाँ से देखिए क्या क्या क्वेश्चन निकल सकता है हमको, तब हम पाकिस्तान की बात करेंगे। तो देखिए इसमें हमसे क्या क्वेश्चन निकाला जाएगा, देखिए यहाँ से आपको उठा देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का उत्तरतम स्थल कहाँ है, मतलब नॉर्दर्न मोस्ट, मतलब सबसे उत्तरी स्थल वह कौन है। तो आप बोल देना कि सर कश्मीर में अखनूर डिस्ट्रिक्ट है, और अखनूर डिस्ट्रिक्ट में मांदा नाम का एक स्थान है, वही इसका उत्तरतम स्थल है। मान लो ये भी न विकल्प में दिया हो, तो नदी का नाम दिया हो, तो आप कर देना कि सर चिनाव नदी के तट पर है, क्लियर। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन निकल गया, ठीक है। पंजाब में भी उठेगा क्वेश्चन, तो आप आगे तो आएगा, लेकिन यहाँ से आप कितना आसानी के साथ क्वेश्चन निकाल रहे हो। तो आप याद रखना कि पंजाब में आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, वो पूछ देगा कि जिस समय हिंदुस्तान अपनी आज़ादी के झंडे को या तिरंगे को लहरा रहा था, उस समय किस पुरातात्विक स्थल पर भी तिरंगे को लहराया गया था। तो आप कहोगे कि सर पंजाब का एक स्थल है रोपण, और हिंदुस्तान की आज़ादी के समय या इंडिया की आज़ादी के समय रोपण में उत्खनन चल रहा था, और इसी पुरातात्विक स्थल पर झंडे को, ठीक है, फोल्ड किया गया था, अनफोल्ड किया गया था, मतलब फहराया गया था, ठीक है। हरियाणा की बात आती है, तो देखो इसमें है तो क्वेश्चन, लेकिन उस छोटे में नहीं बताया जा सकता। अब राजस्थान, तो आप याद रखना राजस्थान का एक पुरातात्विक स्थल है कालीबंगा, और इसी कालीबंगा को सभ्यता की एक राजधानी के रूप में जाना जाता है। मतलब राजधानी तो आप देखते होंगे हड़प्पा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि सभ्यता की 3 राजधानियाँ थीं, उसमें से एक राजधानी आप कालीबंगा भी रखें, उसे माना जाता है। फिर गुजरात की बात अगर आती है, उसमें आपसे क्या पूछ देगा, तो आप याद रखिएगा सभ्यता का वह स्थल कौन है जहाँ सर्वाधिक खुदाई हुई है।
या सर्वाधिक उत्खनन हुआ है तो गुजरात में हुआ है। फिर महाराष्ट्र में आपसे क्या क्वेश्चन उठा देगा, तो आपसे महाराष्ट्र में यह क्वेश्चन उठाएगा कि महाराष्ट्र का वह कौन सा स्थल है जो सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है। उत्तरतम कश्मीर और दक्षिणतम महाराष्ट्र का दैमाबाद, दैमाबाद। अभी आप ताम्रपाषाण वाले में आपने मैटर देखा था, तो दैमाबाद। और ये जो दैमाबाद है, मान लीजिए यह न रहे तो आप कह दीजिएगा कि सर प्रवरा नदी की घाटी पर है। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी आपको एक चीज़ याद रखना है। उत्तर प्रदेश में आपसे एक बहुत इजी क्वेश्चन बनता है, वो क्या कि उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट आता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो है मेरठ। और मेरठ में एक नदी बहती है हिंडन, हिंडन नदी, जमुना की सहायक नदी है हिंडन, हिंडन नदी। और इसी हिंडन नदी के तट पर बसा हुआ है एक स्थान आलमगीरपुर। ठीक है, ये आलमगीरपुर क्या हुआ? आप कहोगे कि सर यह सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल है। तो इसका मतलब आपने देखा कि भारत के जो 7 राज्य हैं, इन 7 राज्यों में उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी सीमाएं फैली हुई हैं। क्लियर हो गया? अब ये धीरे धीरे अंदर अंदर हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से भी बहुत शानदार क्वेश्चंस और बड़ी इजी तरीके से गलत होने वाले क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, अब हमको एक चीज़ और जानना है, पाकिस्तान। तो देखिए, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जो 3 राज्य हैं या प्रदेश हैं, प्रांत हैं, उनमें इस सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के 3 राज्यों में या प्रांतों में पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रांत हैं? एक है पंजाब, दूसरा है सिंध और तीसरा है बलूचिस्तान। तो यहां पर भी हमें अपने क्वेश्चन, अपने मतलब की बातें कर लेनी है। पंजाब में ही स्थित है हड़प्पा, हड़प्पा, और यह सभ्यता की राजधानी रही है। और यह सिंध है, सिंध में मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो है। अब आपको याद रखना है, इसको मिला दीजिए और ये कह दीजिएगा कि सर स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा है? ट्विन्स कैपिटल कहा है, सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है, फिर ये है बलूचिस्तान। अब इसके आगे मत जाइए। अब ये देखिए बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में एक स्थान है सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। तो सुतका गेंडोर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? आप कहोगे कि सर रिवर दास्त के तट पर बसा हुआ है। क्यों ये इम्पोर्टेंट बना यहाँ? तो आप कहोगे कि सर क्योंकि यह सभ्यता का पश्चिमी स्थल है। तो इसका मतलब हमको देख लेना चाहिए कि सभ्यता का, जब हम विस्तार की बात कर रहे हैं, तो हमें देख लेना चाहिए, ए देखिए ये हो गया, ये उत्तर हो गया, यह दक्षिण हो गया, यह पूर्व हो गया, यह पश्चिम हो गया, ये सेंटर हो गया हड़प्पा। तो यहाँ सुतका गेंडोर हो गया, यह भी आपने पढ़ा, ये उत्तर में आपने देखा ही है मांडा है अखनूर डिस्ट्रिक्ट में, ये पूर्व में मेरठ आ गया, हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर है, ये देखिए दैमाबाद आ गया, प्रवरा नदी के तट पर आ गया। तो आपको समझ में आ गया? अब एक चीज़ और देखिए, ये जो सभ्यता फैली हुई है,
यह कितने स्क्वायर किलोमीटर में है, विस्तार की बात अगर कर रहे हैं तो नहीं, अभी तो ये छोटा हुआ है, उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान। तो जरा हम लोग उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान में देखें कि उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान में कौन कौन से स्थल हैं। तो आइए देखते हैं उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान के अंदर। तो आप बोलोगे कि सर उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान में आक्सस नदी घाटी है। कौन सी नदी घाटी बेटा? ये देखो लिखा उत्तरी पूर्वी, यह हम इसको इसके उतार दिया, ठीक है। तो अब क्या है, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर आक्सस नदी है, आक्सस नदी घाटी है, ठीक। और इसी आक्सस नदी घाटी में कौन सा है, तो आप कहोगे कि सर दो स्थान है, एक है सोर्तगुई, सोर्तगुई है, क्लियर। और दूसरा कौन है, तो आप कहोगे कि सर हिंदू, सोर्तगुई कर लीजिए और फिर कर दीजिएगा आक्सस नदी के उस पार, मतलब क्या है, हिंदू कुश है, हिंदू कुश है। और हिंदू कुश के पास ही है मुंडी गोक, मुंडी गोक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान में कौन कौन से स्थलों तक इसका विस्तार था, तो आप सीधे सीधे कहोगे कि सोर्तगुई और मुंडी गोक। मान लो कि ये चीज़ें ना हो, ठीक है, नदी पूछ देता है, तो आप कहोगे सर रिवर आक्सस, ठीक है। अगर मान लो कि ये चीज़ इस तरह से पूछ ले कि मुंडी गाक किस पर्वतमाला की गोद में बसा हुआ है, हिंदू कुश, क्लियर। अब आपसे पूछा जाए कि इसका विस्तार कितने में है, विस्तार कितने किलोमीटर में है, तो देखो वैसे राउंड फिगर में लिख लो 15 लाख, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर में, क्लियर, ये चलेगा। लेकिन अगर आप चलाना नहीं चाहते तो आप सीधे लिख लीजिए 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, क्लियर। अब एक बात आपसे और पूछते हैं कि सभ्यता का आकार क्या था, मतलब सभ्यता का जो विस्तार है या आकार है वह क्या है। तो आइए देखते हैं क्या है आकार सभ्यता का, तो लिख लीजिएगा, देखिए हमने लिख दिया आकार, ठीक है, ये लिख दिया आकार, ठीक। तो सेपेन साइज की बात हम लोग करने जा रहे हैं, तो आप कहोगे कि सर इसका जो आकार है सर वो त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है। तो ये पश्चिम से पूर्व में कितना किलोमीटर है, तो आप कहोगे सर ये पश्चिम लिखा है, ये पूर्व लिखा है, और बीच में हम इसकी दूरी लिख देते हैं, तो आप लिख देंगे 1600 किलोमीटर। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर से दक्षिण, तो ये देखो लिख दिया उत्तर और ये लिख दिया दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी क्या है, तो आप कहोगे कि सर ये है 1400 किलोमीटर, क्लियर है। अब आप एक हेडिंग और चेंज करो, आप अब ये बता दो कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी है। क्वेश्चन करते हुए टुकड़ों में मैटर को बांटते हुए पढ़ना चाहिए, कभी भी किसी चीज़ को अवैज्ञानिक तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए। जब भी आप पढ़ें तो वहाँ पर हमेशा लॉजिक लाइए, छोटी छोटी चीज़ें लाइए, क्या है, क्यों है, कैसे है, कब है, ठीक है, कहाँ है, ऐसे करके जब आप पढ़ेंगे तो आप माहिर माइंड के होंगे। और आप देखते हैं समकालीन सभ्यताएँ, समकालीन कंटेम्प्रोरी सभ्यताएँ, ठीक है,
तो हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन कौन कौन सी सभ्यता है। एक तो आप याद रखना कि वो है मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। और अगर मान लीजिए कि मिस्र की सभ्यता न दिया हो तो आप सीधे कर दीजिएगा नील नदी या नाइल, नील नदी की सभ्यता, ये इसके समकालीन है। दूसरा आपसे पूछ देगा और कौन सी समकालीन है, तो आप कहोगे कि सर मेसोपोटामिया की सभ्यता, पोटामिया की सभ्यता इसके समकालीन है। मान लो ये भी न दिया हो तो आप क्या करोगे, लिख लोगे कि सर रिवर दजला फरात की सभ्यता, ठीक है, दजला सभ्यता या फरात सभ्यता या दजला फरात सभ्यता। फिर मान लीजिए और विकल्प हो तो आप कह देना कि सर चीनी सभ्यता, चीनी लिख लीजिएगा सभ्यता। और ये भी न दिया हो तो आप कह देना कि सर पीली नदी की सभ्यता या एलो रिवर, ठीक है, कल्चर। लेकिन अब इन तीनों में नहीं बल्कि ये भी लिख लीजिए आप सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है तुलनात्मक दृष्टिकोण से, तो आप कहोगे कि सर शहरी दृष्टिकोण से, मतलब जिस तरह से इसको बसाया गया है सिंधु घाटी सभ्यता को, एक मास्टर प्लान पर बसाया गया है, एक बहुत अच्छी तरह से उसे पेपर वर्क करके बसाया गया है, इसका मतलब यह है कि शहरीकरण में सिंधु घाटी सभ्यता इन तीनों से बेहतर है। क्लियर। फिर पूछा जाए और किस मामले में बेहतर है, आप कहेंगे ड्रेनेज सिस्टम में या जल निकासी व्यवस्था में सिंधु घाटी सभ्यता अपने समकालीन सभ्यताओं से, ठीक है, अछूती है, मतलब बहुत आगे है। क्लियर होगी। अब यहाँ पर कुछ छोटी छोटी और बात करनी है, ठीक है, वो आप हेडिंग डालते जाइएगा। पहली चीज, सभ्यता की खोज किसने किया, कहाँ किया, कैसे किया, क्या परिणाम आया, ठीक है, ये सारी सारी चीज़ें हमको देखना है। आप इसे नोट करते रहें अन्यथा आप मुश्किल में आ जाएंगे, क्योंकि अभी भी मैटर आपको किताबों में तो है लेकिन इतना मैटर पाने के लिए आपको कम से कम 200 किताबों का से गुजरना पड़ेगा, और जो कि आपके लिए संभव नहीं है। खोज मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था, तो आप कहोगे सर 1826 में यूएस या अमेरिकन इतिहासकार चार्ल्स मैसन ने किया था। मैसन, चार्ल्स मैसन ने ही सिंधु घाटी सभ्यता की टीलों को देख करके कहा था, लगता है, मतलब एक अनुमान उन्होंने किया था, लगता है कि यहाँ पर कोई विस्मित, मतलब फॉरगॉटन, ठीक है, सभ्यता छिपी हुई है। फिर 42 में सर मैसन की एक किताब आती है, चार्ल्स मैसन की एक किताब आती है, और उस किताब का क्या नाम है, नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी, नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी, ये किताब आती है, और इस किताब में ही उन्होंने इस सभ्यता पर पहला लेख अगर कहीं लिखा गया तो वह इसी किताब में लिखा गया, सिंधु घाटी सभ्यता पर लिखे जाने वाली पहली अगर कोई रचना है तो वह यही है, ठीक है। और फिर एक डेट और हमारे सामने आएगा और वो है 1854। तो 1854 में एक कार्य हो रहा था, क्या आपको याद आ रहा होगा कि इस समय गवर्नर जनरल कौन है, डलहौजी, और डलहौजी किस लिए, डलहौजी, और डलहौजी किस लिए जाने जाते हैं, आप कहेंगे भारत में रेल विकास के लिए जाने जाते हैं। तो डलहौजी कर क्या रहे थे, गवर्नर जनरल डलहौजी लाहौर टू कराची एक रेल ट्रैक निर्माण कराना चाह रहे थे, मतलब एक रेलवे लाइन बिछा रहे थे,
और इसके लिए इंजीनियर किसे नियुक्त किया गया था? सिविल इंजीनियर कौन था? विलियम ब्रंटन। ब्रंटन ये इंजीनियर थे और इन्होंने ही ठीक है डलहौजी का ध्यान इस तरफ लाया था, तो डलहौजी ने इसे रोक दिया था, मतलब यहाँ पर रेल लाइन के निर्माण को रोका था। और इसी वर्ष अलेक्जेंडर कनिघम को, अलेक्जेंडर कनिघम ठीक है, अलेक्जेंडर कनिघम, तो ये अलेक्जेंडर कनिघम को ठीक है क्या किया गया ठीक है इसके जांच के लिए कहा गया। तो आप जांच ये क्या करेंगे उसको छोड़िए, सबसे पहले आप याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिघम को ही भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन माने जाते हैं? अलेक्जेंडर कनिघम सर माने जाते हैं, और अलेक्जेंडर कनिघम ही इस सभ्यता पर शोध करने वाले पहले ऐतिहासिक विद्वान हैं। क्लियर हो गया? अब एक डेट आप और याद रखिएगा, 1904 की बात कर लीजिएगा। तो थोड़ी सी बात आपको और कर दें, वैसे एग्जामिनेशन से कोई मतलब नहीं है, 20 साल बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट रखी थी, अलेक्जेंडर कनिघम सर ने 20 साल बाद अपनी रिपोर्ट रखी थी, मतलब 1873 में रखा था, लेकिन वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए थे। हाँ, 1899 में एक इतिहास के ज्ञाता भारत के वायसराय बनकर आए थे, और उनका क्या नाम था? लॉर्ड कर्जन। तो कर्जन सर इतिहास के स्टूडेंट थे, इसलिए कर्जन सर ने 1904 में एक एक्ट लाया था, और वह एक्ट क्या है? प्राचीन स्मारक ठीक है ना, स्मारक सुरक्षा अधिनियम, एंशेंट मोनूमेंट ठीक है सिक्योरिटी एक्ट, ये लाया है। कब लाया है? 1904 में लाया है, और इसी के तहत इन्होंने क्या किया, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किया था, ASI, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इसके निदेशक या डायरेक्टर किसे बनाया गया? जॉन मार्शल सर को बनाया गया। क्लियर? और जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही दयाराम साहनी ने 1921 में क्या किया, इस सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन भी शुरू कर दिया। बस इससे ज्यादा नहीं जानना है अभी। अब हेडिंग तोड़ दीजिए आप, क्योंकि अब अगर ये इसके अंदर मैटर लेके जाने लगेंगे तो बोरिंग मैटर हो जाएगा, इसलिए आपकी के अंदर रुचि भी बनाए रखना हमारा ही दायित्व है। इसलिए आप को अगर हम दूसरी हेडिंग दे दें और फिर उस हेडिंग को कंप्लीट करने के बाद पुनः यहाँ आ जाए तो आप अच्छा करेंगे। अब एक चीज़ आता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका निर्माता कौन है, मानव की किस प्रजाति ने इसका निर्माण किया है? तो आप कह दोगे कि सर इस पूरी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई चली तो कुछ प्रजातियों के कंकाल पाए गए हैं, वो कौन कौन से कंकाल है ऐसे लिख लीजिएगा, अल्पाइन ठीक है, ऊपर नीचे लिखेंगे। दूसरा, अल्पाइन के बाद क्या है? भूमध्य सागरी है, भूमध्य सागरी सागरी ठीक है, इसे आप द्रविड़ियन भी कर सकते हैं। एक तीसरा भी आप ले आइए, और वो क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रलाइट, पढ़ चुके हैं आप, बताया जा चुका है आपको, ऑस्ट्रलाइट। और चौथा क्या है आप ये भी जान चुके हैं, तो आप कहोगे सर मंगोलियन है वो,
मंगोलियन। तो आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में किन प्रजाति के मानव के कंकाल प्राप्त हुए हैं, तो आप याद रखिएगा यह चार हैं। और इसमें यह पूछा जाए कि इन कंकालों में सर्वाधिक कंकाल किसके हैं, तो क्या बोलोगे? ये है भूमध्य सागरी। और फिर वहां पर आपसे और क्या क्वेश्चन पूछेगा? वो ये पूछेगा बच्चों कि भारत की पहली शहरी सभ्यता, भारत के ये पहली शहरी सभ्यता है, भारत की इस पहली शहरी या प्रथम शहरी सभ्यता का मूल निर्माता कौन है? तो ये लगाओ भूमध्य सागरी या अंग्रेजी में मेडिटेरियन। क्लियर? आप देखो, हमने बताने के लिए तो बता दिया, मैटर हम यहाँ चेंज कर दे रहे हैं, लेकिन आप एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पर कहीं निग्रो लिखा है, चारों में कहीं निग्रो लिखा है? नहीं लिखा है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की आने वाली जो प्राचीनतम रेश है वो कौन थी? निग्रो थी। लेकिन निग्रो के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पाए गए हैं। अब एक चीज और कर लो, है छोटा लेकिन घातक हो जाएगा। राजधानी, सभ्यता की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? क्लियर? तो यार सीधे सीधे ऐसे करो और ऐसे लिख दो। एक हड़प्पा लिख दो, दूसरा मोहनजोदड़ो लिख दो, और तीसरा कालीबंगा लिख दो। क्योंकि आप ये चीज नहीं करते हैं, इसलिए हमने ऐसा किया है। क्लियर? तो ये जो देखो, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, अभी हमने एक मिनट भी नहीं हुआ बताया था कि स्टुअर्ट पिगट ने इसे क्या कहा है? सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है, हो गया ये। अब पुनः चेंज कर दो कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा इतिहास है? तो आप याद रखना कि सर आदि इतिहास है, आदि इतिहास है। अभी आप क्या पढ़ रहे थे? मतलब इसके पहले आपने क्या पढ़ा? पाषाण युग पढ़ा, ताम्र पाषाण युग पढ़ा, महापाषाण युग पढ़ा आपने, तो वह कौन से इतिहास में आता है? प्राग इतिहास में आता है। ठीक है, मतलब जिसके पास कोई लिपि नहीं है, जिसके बारे में हम कैसे जानते हैं? तो आप कहोगे सर पुरातत्व ही एकमात्र साधन है। लेकिन अब अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता किस इतिहास में रखते हो, आप कहोगे सर आदि इतिहास में या प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं। कौन सी हिस्ट्री में रखते हैं? प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं, है ना। अब अगर आपसे पूछा जाए ये इसमें क्या रखा जाता है, किसको रखा जाता है, कौन सा इतिहास रखा जाता है, आप कहोगे कि सर जिसे जिसकी लिपि हो और जिसका पूरा तत्व भी हो, मतलब उत्खनन से भी सामग्रियां प्राप्त हो, लिपि भी हो। परंतु सर ये लिपि पढ़ी ना जा सके। ठीक है, मतलब लिपि तो है बट डजंट डिस्पेयर्ड, लेकिन ये पढ़ी नहीं गई। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि ऐसे इतिहास को क्या कहते हैं? आदि इतिहास कहते हैं। अब सवाल इस बात का है कि क्यों नहीं पढ़ी गई, वो अभी का विषय नहीं है, कुछ थोड़ा धैर्य रखिए। फिर एक बात आपसे और पूछेगा, ठीक है, छोटी छोटी बातों को पहले निकाल लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन जैसा से हिट कर लें आप। अब एक चीज आपसे और पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में धातु, धातु कौन है? तो आप याद रखना, ठीक है, धातु या मेटल, देखो धातु लिख दिया, मेटल लिख दिया, और एक चीज देखो कि तांबा मिला देते हैं किसके साथ? टिन के साथ, तो क्या बन जाएगा? कांसा, कांसा। क्लियर? तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता
किस धातु का प्रयोग करती थी? आप कहोगे सर कांसे का प्रयोग करती थी। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को ऐसे देखो क्या लिखा जा रहा है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब एक चीज और, इसकी डेट आप जान लो, ठीक है, छोटे में इसका डेट आप जान लो और उसके बाद फिर हाल हम लोग आगे बढ़ेंगे कि तिथि क्रम क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की एक अनुमानित तिथि बताना है। देखिए एग्जैक्ट तिथि तो कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है, फिलहाल अभी नहीं बताया जा सकता। उम्मीद है आशाएं कर सकते हैं हम, लेकिन अभी फिलहाल नहीं, जब तक लिपि नहीं आती तब तक नहीं बताया जा सकता। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की यार डेट क्या है, तिथियां क्या हैं। तो बेटा कुछ नहीं करना है, आप लिख देना एमएस वत्स। एमएस वत्स का क्या मतलब हुआ? माधव स्वरूप वत्स। और माधव स्वरूप वत्स ने सभ्यता की तिथि क्या बताई? तो आप कह देना कि सर 3500 से, ठीक है, कितना 3500 से, 3500 बीसी से कितना 2700 बीसी, ठीक है। तो 3500 से 2700 बीसी किसका समय बता रहे हैं ये? आप कहोगे माधव स्वरूप वत्स सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि बता रहे हैं। और अब सर मार्शल जॉन मार्शल की बात हम करते हैं। तो देखो बच्चों, जो जॉन मार्शल सर हैं ये इसकी डेट क्या बता रहे हैं, 3250 से कितना बताते हैं, 500 साल। तो 500 साल इसमें से करोगे तो कितना होगा, 2750, ठीक है। और अब अगर आपसे पूछा जाए कि मैके क्या बता रहे हैं, अर्नेस्ट मैके, अर्नेस्ट मैके के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के एक संभाव्य डेट क्या है? तो आप कहेंगे 2800 से 2500 बीसी, बहुत कम इन्होंने लाइफ बताया है, 2800 बीसी से कितना 2500 बीसी बताया इन्होंने। एक चीज आप और याद रखिएगा, फेयर सर्विस, फेयर सर्विस। तो फेयर सर्विस सर के अनुसार इनकी डेट क्या है? तो आप 500 साल दिखा देना, लेकिन ये 2000 बीसी कर लीजिएगा। और 2000 बीसी से कितना ले जाओगे आप, 1500 बीसी ले आओ, ठीक है। लेकिन आप दो जो चीज़ें जा रही हैं वह आप देखो, दो चीज़ें ही आपको डेट में याद रखना है। एक है प्रोफेसर व्हीलर का, एच व्हीलर। ये जो एच व्हीलर सर है ये डेट बता रहे हैं कि 2500 बीसीई से ये इसकी लाइफ साइकिल कितनी है, 1500, मतलब लगभग 1000 साल तक ये सभ्यता चलती रही। और यही सर्वाधिक मान्य मत है, और यही व्हीलर हैं जिन्होंने ऋग्वेद से हरयूपिया नाम को खोजा है। जब आपने ये कर लिया तो एक और बड़ा नाम याद रखना है, वो नाम क्या है, डीपी अग्रवाल। ये जो अग्रवाल सर हैं ये कार्बन डेटिंग मतलब वैज्ञानिक विधि के आधार पर तिथि का निर्धारण कर रहे हैं। तो जो डीपी अग्रवाल सर हैं इनका क्या कहना है? तो आप कहोगे डीपी अग्रवाल के अनुसार इसकी जो तिथि है 2300 बीसी से 1750 बीसी है। तो चाहे आप ये कह सकते हो कि डीपी अग्रवाल ने यह डेट निर्धारित किया है, चाहे आप कह सकते हो कि वैज्ञानिक डेट क्या है, या आप कह सकते हो कि कार्बन डेटिंग क्या है, ठीक है ना। तो इतनी सारी की सारी बातें आ गई, ठीक है ना। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, वो क्या याद रखना है, अमूमन देखिए आपसे ये चीज़ पूछते हैं, ये चीज़ पूछते हैं। और अब हमारे सामने एक और पॉइंट है, वो भी हम आपसे शेयर कर देते हैं,
ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि आप झेल तो नहीं रहे होंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक है आपको इसमें, आपको इसमें मेहनत एक्स्ट्रा करनी ही पड़ेगी क्योंकि आसमां पे जाने के लिए ज़मीन को छोड़ना ही पड़ता है। फिलहाल हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए लिपि का मैटर दूसरे दिन करेंगे, आज इतना ही। थैंक यू, विशिंग ऑल द लक।